नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। देहरादून जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर जल निकासी का लिया जायजा। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने आज तेज वर्षा के दौरान जल भराव के दृष्टिगत शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करते हुए जल निकासी को जायजा लिया। जिलाधिकारी ने आज प्रिंस चौक, रेलवे स्टेशन लखीबाग, सहारनपुर चौक, कारगी चौक, शाहनगढ़ प्रगति विहार, हरिद्वार बाईपास रोड, रिस्तना पुल, नेहरू कॉलोनी, गुरुद्वारा के समीप, आरा घर, सवे चौक, बुद्धा चौक का निरीक्षण करते हुए जल निकासी व्यवस्था देखी। प्रत्येक स्थल पर पानी की निकासी एवं कार्य का अवलोकन करते हुए मौके पर से ही अधिकारियों को फोटो भेजकर तत्काल कार्य कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक पर जल एकत्रित होने पर संबंधित नगर निगम लोनिवी के अधिकारियों को ड्रेनेज ठीक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी गांधी रोड लखीबाग में विद्युत ट्रांसफार्मर के समीप के पास अधिक पानी बहने पर विद्युत विभाग को सुरक्षा की दृष्टिगत जांच करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से बात कर जल भराव की स्थिति जानी। शाहनगढ़ प्रगति विहार हरिद्वार बाईपास रोड में जल भराव होने पर नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर जाकर पानी की निकासी हेतु सुलभ व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा के दौरान सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहेंगे तथा अपना फोन खुला रखेंगे ताकि जल भराव तथा किसी प्रकार की संभावित आपदा के दृष्टिगत त्वरित कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को नालियाएं की सफाई करवाने तथा लोनिवी एनएचआई को सड़क किनारे ड्रेन सिस्टम को दिखवाले तथा ठीक रखें। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट।